ग्लो ये एक ऐसी चीज है जो हम लड़कियों को साल के 12 महीने चाहिए होती है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमारे चेहरे पे ग्लो तो रहना ही चाहिए। क्या ग्लोइंग स्किन पाना इतना डिफिकल्ट है? यस। अगर आप अपनी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते हो, टाइम टू टाइम फेशियल्स नहीं करवाते हो, अपने बॉडी को इंटरनली हाइड्रेटेड नहीं रखते हो, सही खान पान नहीं खाते हो, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन कहाँ से ग्लोइंग दिखेगी। कोरियंस की स्किन देखी कभी आपने? उनकी स्किन पे ना कोई एक डार्क स्पॉट होता है, ना एक पिगमेंटेशन होती है, ना स्किन टोन उनकी अनइवन दिखती है, ना ड्राइनेस दिखती है। कुछ दिखती है तो क्लियर स्पॉटलेस ग्लोइंग स्किन दिखती है। नहीं, मैं आपको जेलस फील नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको बस ये चीज़ बता रही हूँ कि आपके साथ भी ये पॉसिबल है, क्योंकि आप हो राबिया स्किन केयर की फैमिली के मेंबर। वेलकम टू माई चैनल गाइज, मैं हूँ राबिया और आज मैं आपके साथ में एक ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ, एक ही चीज़ है जो आपको लगाना है विंटर्स में। ये आपके लिए एसेंस का काम करेगी, एम्प्यूल का काम करेगी, सीरम का काम करेगी, मॉइस्चराइजर का काम करेगी, क्रीम का काम करेगी, ऑल इन वन है। इससे होगा क्या, इससे आपके चेहरे पे अगर स्पॉट्स है तो वो हल्के होने लगेंगे, आपका कॉम्प्लेक्शन पूरा ओवरऑल ब्राइटन अप होने लगेगा, चमकने लगेगा, आपकी स्किन से ड्राइनेस कम्प्लीटली चली जाएगी, इतनी ज़्यादा हाइड्रेटेड दिखेगी आपकी स्किन, इतनी ड्यूई दिखेगी आपकी स्किन और इतना ग्लो दिखेगा आपके चेहरे पे। तो अगर आप ये सारे बेनिफिट्स चाहते हो इस विंटर सीजन में तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, जो जो एक एक चीज़ मैं बता रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, कैसे डाल रही हूँ, कैसे इसको यूज़ करना है, सब कुछ। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। इस सीरम में सबसे दो खास इंग्रेडिएंट जाएंगे, सबसे पहला है राइस और दूसरा है ग्लिसरीन। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसके अलावा और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लेना है राइस। 2 चम्मच आपको राइस लेना है तकरीबन, इसको अच्छी तरीके से आपको वॉश कर लेना है। अब इसमें आपको 1/2 ग्लास ऑफ वाटर डाल के इसको आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रखना है। 2 से 3 घंटे के बाद आप इस राइस को मिक्सर जार में डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इस वाटर को, राइस के वाटर को, ये स्टार्ची वाटर है गाइस, राइस की पूरे पूरे बेनिफिट्स है, उसके अमीनो एसिड्स, उसके विटामिन सी, विटामिन ई, फेरुलिक एसिड, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। इसको आपको छान लेना है। इसका जो ये स्टार्ची वाटर है ये आपके चेहरे में इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी बढ़ाता है, मैं आपको बता नहीं सकती, और प्लस आपकी स्किन को बहुत हद तक हाइड्रेट करता है। इसमें आपको डालना है 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन की। हाइलुरोनिक एसिड कितना महंगा आता है ना, उसका 1/10 भाव में आपको मिलती है ग्लिसरीन, जो इक्वल काम करती है हाइलुरोनिक एसिड के। हाइलुरोनिक एसिड से भी ज़्यादा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन को रिप्लेनिश करती है, आपकी स्किन को रिस्टोर करती है, आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, और जितना ये मॉइस्चराइज करती है उतनी ज़्यादा आपकी स्किन स्मूथ होती जाती है, ग्लो करने लगती है। ये दो चीज़ को आपको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेना है। ये हमारे सीरम का सबसे खास कंपोनेंट है। इसके बाद एक दूसरा बोल लेंगे जिसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बादाम का तेल। बादाम के तेल में सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे ट्रस्टवर्दी जो है, जो मैं यूज़ करती हूँ, ये रोगन बादाम शिरीन है, जो सबसे बेस्ट स्वीट आमंड ऑयल है। इसकी छोटी छोटी बॉटल्स भी मिलती है, आप चाहो तो वो भी अपने पास रख सकते हो। 1 टीस्पून आपको इसमें डालना है। अगर आपके पास ये नहीं मिलती है तो आप इसमें 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स डालेंगे। अगर आपको ये मिल जाती है तो आप दोनों भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच एलोवेरा जेल और इन दोनों को, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट आपको इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स डालने हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन प्रॉब्लम्स जो आपके पास ज़्यादा है। जैसे अगर आप स्किन में ग्लो चाहते हो और स्किन को लाइटन करना चाहते हो, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप टर्मरिक एसेंशियल ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास टर्मरिक एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप सीधा सीधा टर्मरिक पाउडर डाल दीजिए, इक्वली इफेक्टिव होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिलहाल टर्मरिक एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपके चेहरे पे एक्ने हैं, आपको ब्लैक हेड्स है, क्लॉक पोर्स की प्रॉब्लम होते रहती है, तो आप इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल डालेंगे जो एंटी एजिंग का भी काम करेगा। और स्पेशली एंटी एजिंग के लिए अगर आप कुछ चूज करना चाहते हो तो रोज हिप एसेंशियल ऑयल आप डालेंगे। एक्चुअली वो एसेंशियल ऑयल नहीं है, ऑयल है। और अगर आप अपने स्किन टोन को इवन करना चाहते हो, थोड़ा सा ब्लीचिंग इफेक्ट चाहते हो, तो टर्मरिक एसेंशियल ऑयल के साथ आप इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल डालेंगे। और अगर आपके पास लेमन एसेंशियल ऑयल नहीं है तो टर्मरिक पाउडर के साथ साथ आप इसमें लेमन जूस डाल दीजिए। आप यहाँ पे लेमन, टर्मरिक, टी ट्री या रोज हिप कुछ भी डाल सकते हो, सैंडलवुड भी डाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 2 ही एसेंशियल ऑयल इसमें जा सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो क्या है और उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे टर्मरिक टी ट्री एसेंशियल ऑयल लिया है। इन दोनों की इंडिविजुअली आपको 6 से 7 ड्रॉप्स डालनी है, ठीक है। और इस सारी चीज़ों को आप अच्छी
अच्छी तरीके से अगेन मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद राइस और ग्लिसरीन का मिक्सचर हमने बना के रखा था वो धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे, डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे, डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे, और ये बन गया। बस यही है आपका विंटर ग्लो सीरम। इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे और जब भी आपको यूज करना है तो निकालने से पहले बस इसको हल्का सा अपने हाथों में इस तरीके से आप इसको वार्म करें हल्का सा, और फिर उसके बाद में इसको यूज करें। ना आपको एसेंस की जरूरत है, ना एम्प्यूल की जरूरत है, ना अलग से सीरम की जरूरत है, ना मॉइस्चराइजर की, ना क्रीम की। ऑल इन वन है ये, ऑल इन वन, ठीक है। इनफैक्ट आपको इसको यूज करने से पहले टोनर की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें राइस वाटर है जो अच्छा टोनर का भी काम करता है। यस गाइस, ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी फेस वॉश कर ले तो बस इतना सा ही काम करना है, इसको लेना है, ड्रॉप ड्रॉप करके अपने चेहरे पे डालना है और उसको अच्छे से अपने स्किन में मसाज करना है जब तक कि आपकी स्किन में अब्सॉर्ब नहीं हो जाता। राइस वाटर गाइज, आपको नहीं पता इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आपको पता है, आप सोचते हो कि सिर्फ लेमन में है, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड, नहीं, राइस वाटर में भी एस्कॉर्बिक एसिड है। इतना उसका विटामिन सी का कंटेंट है, इसमें विटामिन ई है, इसमें फेरोलिक एसिड है, इसमें अमीनो एसिड है जो आपके चेहरे की सारी प्रॉब्लम्स को टारगेट करती है, डार्क स्पॉट्स को आपके ये टारगेट करती है। लगाओ कि आपके डार्क स्पॉट्स इससे हल्के होने लगेंगे। कॉम्प्लेक्शन को आपके ब्राइटन अप करता है, डे बाय डे आप देखोगे आपका कॉम्प्लेक्शन निखरते जा रहा है, चमकते जा रहा है। यह आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आप देखोगे आपकी स्किन से ड्राइनेस कंप्लीटली कैसे जा चुकी है और आपकी स्किन ग्लो कैसे कर रही है। और इसका खास इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताया है ग्लिसरीन, ये आपकी स्किन को परफेक्टली मॉइस्चराइज कर देगा, ड्राइनेस को, आपकी जो खिंचाव खिंचाव होता है, आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है, वो सबको दूर कर देगा और आपके चेहरे के टेक्सचर को मॉइस्चराइज इस तरीके से करता है कि आपके पोर्स को ये क्लॉग्ड होने नहीं देता। ऑयली स्किन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। लगाओगे आपका स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होते जाएगा। हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, इतना महंगा ये इंग्रेडिएंट है और ये आपकी स्किन में सिर्फ हाइड्रेशन को लॉक कर देता है, वहीं ग्लिसरीन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को बाउंसी बनाता है, आपकी स्किन में हाइड्रेशन बढ़ा देता है, स्किन के बैरियर को ये मजबूत करता है, स्किन के टेक्सचर को ये आपके स्मूथ कर देता है। जैसे जैसे ये मॉइस्चराइज होती जाएगी आपकी स्किन स्मूथ होते जाएगी। ग्लिसरीन आपकी स्किन को सॉफ्ट भी करता है, यस गाइस, बेबी सॉफ्ट करता है ग्लिसरीन आपकी स्किन को। ये आपकी स्किन में मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, जिससे आपकी स्किन रिप्लेनिश होती है, रिस्टोर होती है, इसी से ही आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। यस गाइस, ये चाहिए हमको, हमारी स्किन का जो ड्राइनेस है वो चली जाए, जो डेड सेल्स है वो चले जाए, हमारी स्किन का टेक्सचर स्मूथ हो जाए, हमारी स्किन में हाइड्रेशन भरपूर हो जाए और हमारी स्किन रिप्लेनिश हो, हमारे एक एक सेल को उसका जो वाटर का कंटेंट है वो मिले। वो पानी पीने से भी, अंदर से भी इंटरनली होता है, बाहर से जब आप ये स्किन करोगे तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लोइंग बनेगी। राइस वाटर, टर्मरिक, लेमन, ये सारी चीजों की जो गुडनेस है इससे आपके कॉम्प्लेक्शन पे काम होगा, आपका जो रंग है वो निखरेगा, कॉम्प्लेक्शन आपका ब्राइटन अप होगा, स्किन जो है वो स्किन टोन आपकी ब्राइटन होगी, डार्क स्पॉट्स आपके हल्के होने लगेंगे, स्किन में आपको आपकी क्लैरिटी दिखने लगेगी। और ये राइस वाटर आपको पता है सन के सामने, सन एक शील्ड का काम करता है, मतलब ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देता है और सन का डैमेज में जो स्पॉट्स आ जाते हैं, जो सन स्पॉट्स आ जाते हैं उसको भी ये लाइटन करता है। क्या नहीं करेगा ये सीरम, इसीलिए इसके जो इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन है ये ऐसे ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हुए और विंटर्स की जो स्पेशल प्रॉब्लम होती है उसको भी टारगेट करते हुए आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है ये सीरम। बस अच्छे से अपने स्किन में अप्लाई करो और देखो इंस्टेंट ग्लो भी, इंस्टेंट भी देखेगा, और कुछ दिनों तक जब आप इसको लगातार लगाते रहोगे तो बिना इसके अप्लाई किए भी आपकी स्किन ग्लोइंग दिखेगी। यस गाइस, ये खासियत है स्पेशल सीरम की, तो प्लीज़ इसको ज़रूर बनाएं। इस विंटर के लिए तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। और जैसे मैंने कहा, इसको आपको फ्रिज में ही स्टोर करके रखना, आप इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके नहीं रख सकते। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, हाजिर होंगी मैं फिर से इसी तरह बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लेकर। और ये सारी चीजें आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, सब घर पे आप बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो प्लीज ये सारे वीडियोस को आप देखो, घर में बनाओ और अपने रिजल्ट्स आप घर में ही अचीव करो बिना पैसे वेस्ट किए। और हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक करो वरना श्राप मिलेगा आपको, आपको ये सारे प्रॉब्लम्स जो आपकी सॉल्व नहीं होगी, मजाक कर रही हूँ, लेकिन प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी आपको मेरे अगले वीडियो में इसी तरह आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए घर बैठे ही। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।